वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइगर 3 के मूवी के बारे में और जानेंगे कैसी है ये मूवी। तो बिना आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, जिस मूवी से स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी उसका तीसरा पार्ट दिवाली के दिन रिलीज किया गया। एंड अगर आप इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हो तो आप इस यूनिवर्स के प्रीवियस मूवीज को भी देख के जाइएगा, जिससे कि आपको कहानी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बात करें टाइगर 3 की तो इस मूवी में सलमान भाई को एक मिशन के साथ साथ अपनी फैमिली और देशभक्ति को भी बचाना है आतिश रहमान नाम के एक दुश्मन से, जिसे कि इमरान हाशमी ने परफेक्टली रोल को प्ले किया है। बात करूँ सलमान भाई की तो वो अपने स्पाई वाले अवतार में वापस से नजर आ रहे हैं एंड उनका एक्शन इस मूवी में काफी ज्यादा जबरदस्त है एंड उन सीन्स को जिस तरह से शूट किया गया है वो भी तारीफ के लायक है। बात करूं इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी में हमें ट्विस्ट के साथ कई सारे कैमियोज भी देखने को मिलते हैं। घबराइए मत, मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ भी स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मूवी में पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखाई गई है, जो कि मुझको बिल्कुल भी नहीं पसंद। इस मूवी के बारे में बाकी की स्टोरी बहुत ही कॉमन है अगर आप इस मूवी को दूसरे स्पाई मूवी से कंपेयर करते हो। इसके अलावा हमें SRK का कैमियो देखने को मिल जाता है एंड डेफिनेटली आप SRK का कैमियो इस मूवी में एंजॉय करने वाले हो। और मैं आपको बता दूं कि SRK के अलावा हमें एक और जबरदस्त कैमियो देखने को मिलता है ऋतिक रोशन का। यस गाइस, ऋतिक रोशन भी हमें एक कैमियो में दिख जाते हैं और ये दोनों जो कैमियोज होते हैं वो डेफिनेटली इस फिल्म को एडवांटेज देंगे। लेकिन अगर बात की जाए स्टोरी की तो स्टोरी मुझे बेहद ही सिंपल लगी। बात करूं मैं अपने सजेशन की तो अगर आप सलमान भाई और SRK के डाई हार्ड फैन हैं तो आप इस मूवी को थिएटर में जाकर एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कर सकते हैं इस फिल्म को OTT पर आने दे तब देख लीजिएगा। तो इसी के साथ गाइज आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ये खेल हाथों का नहीं दिमाग का है।